सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल इन यूट्यूब। गाइज देखिए, यहाँ पे फिर से डिस्कस करने वाला हूँ एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड समथिंग अपडेट है। जैसे कि बेसिकली मैंने बात किया था इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप का, जो अभी ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, बट मैंने जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट पर नंबर दिया होता है, और मैंने बोला था आप सभी से कि जो वाई ग्रुप का आएगा ना भाई, कि 1364 रैंक तक जिनका भी है, ठीक है, अनफिट एब्सेंट हटा के उनका 100% सेलेक्ट हो जाएगा। बट गाइज, आज एक कैंडिडेट का आया है जिसका रैंक 1384 है, मीन्स उससे ज़्यादा भी कैंडिडेट का आया है। मैंने प्रॉमिस किया था कि 1364 से रैंक जिसका नीचे है उनका पक्का आएगा, क्योंकि उसने फ़ोन पे बोल दिया था। मैंने रिकॉर्डिंग आई थिंक आपको सुनाया भी होगा उसका। देखिए, वो एक्स ग्रुप के आई थिंक कैंडिडेट का था, नाम है अमित। आप रोल नंबर यहाँ पे देखिए ना, मतलब आप जाके बेसिकली सर्च कर सकते हो, एंड इनका एक्स ग्रुप पे हुआ है। तो एक्स ग्रुप वालों का भी तो नहीं देखने वाले, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अभिजीत अभिषेक राजन का भी यहाँ पे आ चुका है, इनका भी यहाँ पे हुआ है किस ग्रुप में, ये भी यहाँ पे चलो देख लेते हैं, ठीक है। अभिजीत रंजन, तो इन्हें मिस आउट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अंकित बर्नवाल, गाइज इनका भी यहाँ पे हो चुका है, ये वाई ग्रुप के कैंडिडेट हैं, ठीक है। आप इनका चाहो तो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मैं डाल के दिखा देता हूँ, चलो देख लेते हैं इनका रैंक क्या रहा। सो गाइज देखिए, यहाँ पे अंकित बनवाल की ही बात मैं कर रहा होता हूँ। देखिए, वाई ग्रुप पे हूँ, और यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा ये इनका रैंक, आप देख सकते हो। अभी आपको दिखा देता हूँ, वाई ग्रुप पे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1384 इनका रैंक है, और इन्होंने अनफिट एब्सेंट को नहीं हटाया, ठीक है। तो 1384 रैंक तक भाई आप सेफ हो यहाँ पे, ठीक है ना गाइज। तो देखिए, 1384 रैंक तक आप सेफ हो किसी भी ग्रुप पे। अभी आपको चलते हैं ऊपर और दिखा देते हैं भाई, वाई ग्रुप की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, आप कट ऑफ देख सकते हो, और वाई ग्रुप का है ये PSL, ठीक है। तो ये आपका वाई ग्रुप का कट ऑफ जो मतलब 1384 रैंक तक, तो भाई बिल्कुल आ ही रहा है। तो आपका अगर इतना 1390 तक है तो पक्का आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं चल के। उसके बाद गए थे कि एक्स ग्रुप पे आया है, अच्छा एक्स ग्रुप के नहीं, वाई ग्रुप पे ही है, ये भी वाई ग्रुप पे है, 1365 रैंक है, दीपक कुमार यादव। उसके बाद नेक्स्ट है दीपक कुमार यादव, ये उनका यहाँ पे है, और ये आया पिन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। ये फिर से हैं, कौन है देख लेते हैं, दीपक कुमार यादव ही हैं, और किस ग्रुप पे हैं, देखिए वाई ग्रुप पे हैं, और रैंक कितना था, 1365 रैंक था, ठीक है। तो इनका भी लेटर वाई ग्रुप का आ चुका है, और ये किस सेंटर का है ये देख लेते हैं। तो ये 5 SC आपका जोधपुर का है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, 4 SC का है ये, और कहाँ पे, ग्रुप वाई ट्रेड का है, और नाम है इनका अंकित बनवाल। आपने देख लिया, अभी अंकित बनवाल का ही देखा था, 1384 रैंक था इनका। चलो आगे चल के यहाँ पे कैंडिडेट का देख लेते हैं, और भी ग्रुप एक्स का है, ये किस सेंटर का है ये भी देख लेते हैं, 5 SC का है, एंड जो नाम है भानु प्रताप सिंह, ठीक है। इनका जो रैंक है, ये इनका यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है, आप जाके सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट कैंडिडेट ग्रुप एक्स का, और भी कैंडिडेट्स के गाइस बेसिकली यहाँ पे आ चुके हैं, आप बेसिकली पढ़ सकते हो, देख सकते हो। सो वीडियो जैसा लगा वो बता सकते हो, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव था वो बताना था कि वाई ग्रुप का जो कट ऑफ है वो कम जा रहा है, ठीक है। मतलब कट ऑफ क्या, कैंडिडेट 1300 1400 तक आप मान लो आप सेफ हो, ठीक है। वाई ग्रुप पे नहीं बढ़ेगा इनरोलमेंट, जो बढ़ेगा ना एक्स वालों कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा वो होता है हार्ड, कि वाई ग्रुप पे इतना ज़्यादा पहले से ही सब कुछ बढ़ के आता है, इस वजह से जहाँ तक मुझे लगता है। सो भाई, आपका जो भी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो बाय बाय, जय हिंद एंड जय भारत।